मैंने राउंडर्स पिज़्ज़ा 2015 नवंबर में शुरू किया था। उससे पहले मैं एक बैंक में काम करता था। बैंक में मुझे वो फीलिंग और वो इनकम नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते। घर में मैं किचन में लगा हुआ काफ़ी सारी डोज डिफरेंट सॉसेस ट्राई किए। फिर मैंने कहा अब बंद हो गया तो इसको हम आगे करते हैं, आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं। मार्केटिंग हम लोग करते रहे थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं था कि उसको एक बड़ा इम्पैक्ट मिले बिजनेस को पुश करने में। मेरे ऑर्डर्स बहुत डिले होना शुरू हो गए थे और मुझे बड़ी टेंशन होना शुरू हो गई थी। दोस्तों ने मुझे आइडिया दिया कि उन्होंने कहा कि यार तुम अपना रेस्टोरेंट जो है फूड पैंडा पे क्यों नहीं डालते। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि चलो मैं फूड पैंडा पे डालता हूँ, देखते हैं उसके बाद मेरे रेस्टोरेंट में कितने ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। तो फिर मैंने फूड पैंडा से बात किया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप हमें दे दें डिलीवरी सिस्टम तो हम आपके ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे। तो मेरी काफ़ी मुश्किलात आसान हो गई हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद। फूड पैंडा एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप भी हिम्मत करें, सेटअप बनाएं छोटा सा और रेस्टोरेंट डालें फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म में, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप टाइम गुजरेगा तो लोगों को आपके रेस्टोरेंट, आपके नाम, आपके टेस्ट का पता चलना शुरू हो जाएगा। मैंने छोटे से कमरे में एक शुरू किया था F7 में, अब माशाल्लाह से मैं एक F10 में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना रहा हूँ और इसमें फूड पैंडा का काफ़ी बड़ा हाथ है मुझे हेल्प करने में।